हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी आने वाली है तो आज हम मोदक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मोदक बहुत तरह से बनाई जाती है। आज मैं ओरियो बिस्किट से बहुत ही इजी मोदक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मोदक हम तीन चीज़ों से और बिना गैस जलाए बनाने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगता है। तो चलिए इस मज़ेदार मोदक की रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ओरियो बिस्किट लेंगे। मैंने यहाँ 10 रुपए वाले 4 पैकेट लिए हैं। एक पैकेट में 5 पीस होते हैं तो यहाँ मैंने टोटल 20 पीस लिए हैं। अब हम पैकेट से बिस्किट को निकाल लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ कोई और चॉकलेट बिस्किट से भी बना सकते हैं, लेकिन ओरियो बिस्किट से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमने बिस्किट को पैकेट से निकाल लिए हैं। अब हम बिस्किट से इसका क्रीम को अलग कर लेंगे। आप कोई भी चाकू या चम्मच की सहायता से क्रीम को अलग कर सकते हैं। हम इस क्रीम से मोदक का फिलिंग बनाने वाले हैं, इसीलिए हम क्रीम अलग कर रहे हैं। मैंने क्रीम को अलग कर लिया है। अब इसे हम अभी के लिए साइड में रख देते हैं। अब हम बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। हमने सारे बिस्किट को तोड़ लिया है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसके लिए मैंने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है। इसमें हम बिस्किट के पीसेस को डालेंगे और इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। यहाँ हमने बिस्किट का पाउडर बना लिया है। आपको अगर ये थोड़ा मोटा लगे तो आप इसे छलनी से छान सकते हैं। अब इसे हम एक बड़ा प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसका हमें डो तैयार करना है। इसके लिए हमने यहाँ रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। आप दूध के जगह मलाई भी ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। दूध एक बार में ना डालें वरना ये गीला हो जाएगा और इससे मोदक का शेप अच्छा नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप दूध को ध्यान से डालें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं, तब तक इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ 25 से 30 काजू लिए हैं। काजू को मिक्सी में डाल के इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। आप काजू के जगह बादाम, नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने काजू का दरदरा सा पाउडर बना लिया है। अब हमने जो बिस्किट से क्रीम को अलग करके रखा था वो लेंगे। क्रीम को एक चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेंगे। क्रीम जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जो हमने काजू का पाउडर बनाकर रखा था उसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें मिक्स करते जाएंगे। क्रीम को और काजू के पाउडर को हम हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, हम काजू के पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जा रहे हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इस मिश्रण से हम छोटा छोटा बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। आप ट्राई करिएगा सारे लड्डू सेम साइज के हो। इससे मोदक का लुक बहुत अच्छा आता है। आपको यदि मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी का पाउडर डाल सकते हैं। क्रीम में पहले से मीठा ज़्यादा होता है इसलिए मैंने नहीं डाला है। यहाँ मेरे फिलिंग वाले लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने जो बिस्किट का डो बनाकर रखा था वो लेंगे। इससे भी हम छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। आप मोदक जितना बड़ा बनाना चाहें उस हिसाब से लड्डू छोटा या बड़ा निकाल लें। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ सारे लड्डू निकाल लिए हैं। मैंने बिस्किट वाले लड्डू भी सारे सेम साइज के बनाए हैं। अब हम एक बिस्किट वाले लड्डू को हाथ में लेकर अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। जब ये लड्डू अच्छी तरह से गोल हो जाए तब इसे हम प्रेस करते हुए कटोरी का शेप देंगे। इसे हाथों से दबाते हुए कटोरी जैसा बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। अब इसमें हम एक फिलिंग वाला बॉल रखेंगे और इसे बंद करते हुए गोल कर लेंगे। आप ट्राई करिएगा इसमें क्रैक ना रहे। फिलिंग को हम अच्छी तरह से प्रेस करते हुए उसे बंद करेंगे। अब इसे हम हाथों से दबाते हुए मोदक का शेप देंगे। आप देखते जाइए मैं कैसे कर रही हूँ। अगर आपके पास साँचा हो तो आप इस मोदक को साँचा में भी बना सकते हैं। साँचा से तो बहुत ही इजीली बन जाता है। यहाँ देखिए, हमारा एक मोदक बनकर तैयार हो गया है। अब हम मोदक में डिजाइन बना लेते हैं।
इसके लिए हम एक टूथपेक या चम्मच लेंगे। मैंने चम्मच का पिछला हिस्सा से इस तरह से निशान बनाया है। आप चाहे तो चाकू से भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा एक मोदक तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से हम बाकी मोदक भी रेडी कर लेंगे। दूसरी लोई को भी हम प्रेस करते हुए कटोरी का शेप देंगे और इसमें फिलिंग वाला बॉल डाल के इसे बंद कर लेंगे। फिर हाथों से चिकना करके इसे मोदक का शेप देंगे और हम चम्मच से डिजाइन बना लेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा मोदक भी रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे मोदक रेडी कर लेंगे। देखिए हमने सारे मोदक रेडी कर लिए हैं। ये मोदक देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। बच्चों का तो ये फेवरेट मोदक है। मोदक को मैं कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और परफेक्ट बना है। आपको ये मोदक की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस गणेश चतुर्थी इस मोदक का आप जरूर ट्राई करिए और गणपति बप्पा को भोग लगाइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।